फ्रेंड्स आज हम आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न डिजाइन ले आए हैं आप इस पैटर्न को किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी के ड्रेस में बॉर्डर के लिए यूज कर सकते हैं या तो आप किसी चीज़ में लेस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और पट्टी भी बना सकते हैं फ्रेंड्स और आपको डिजाइन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो पूरा देखिएगा डिजाइन सीखने के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे चैन और ऊन जो हमने लिया है फोर प्लाई का है क्रोशिया हमारा थ्री एम एम का है तो एक चैन हमने बना लिया है देखिए दो तीन तीन चैन बनाने के बाद हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इसके फर्स्ट वाले फंदे में से धागा निकालते हुए डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से और इसके आगे बनाएंगे एक चैन थोड़ा सा हमें धागा इस तरह से खींचना है देखिए और यहाँ पे देखिए नीचे वाले यहाँ फंदे में से धागा निकाल के हमें क्रोशिया में लेना है तो यहाँ पे आठ बार हम धागा निकाल के क्रोशिया में लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आठ बार धागा निकाल के ले लिया है अब इसको बंद करेंगे तो इसको हम चार पार्ट में बंद करेंगे थोड़ा थोड़ा धागा रख के इस तरह से ये देखिए दो पार्ट बंद करते हुए तीसरा पार्ट और यहाँ पे लास्ट का चौथा पार्ट हम बना लेंगे इसको हमें घुमा देना है और फिर धागा हम क्रुशिया में लेंगे और देखिए फंदे में से फिर यहाँ पर आठ राउंड हम धागा निकाल के क्रोशिया में लेंगे जैसे हमने फर्स्ट में बनाया सेम उसी तरह से इसको भी बना लेना है ये देखिए मैंने धागे को निकाल लिया है और यहाँ पे चार पार्ट में इसको बंद करेंगे तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा सिंपल सी डिज़ाइन है आप बना सकते हैं तो ये देखिए मैंने इसको चार पार्ट में बंद कर लिया है बन गया इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से अब यहाँ पे दूसरा धागा लगाएंगे तो फंदे में इस तरह से धागे को डाल के थोड़ा सा हमें खींचना है और इसके आगे देखिए ये जो पार्ट हमने चार पार्ट में बंद किया है तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें से हम तीन राउंड धागा निकाल के क्रोशिया में लेंगे इस तरह से ये देखिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले फंदे में से धागा निकालेंगे तो यहाँ पर भी हम तीन बार ऐसे धागा निकाल लेंगे और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में से भी यहाँ पे तीन बार धागा निकालना है तो देखिए तीसरे फंदे में हमने निकाल लिया है लास्ट का चौथा फंदा में से भी तीन बार धागा निकाल लेंगे तो यहाँ पे मैंने धागे को निकाल लिया है फ्रेंड्स ये देखिए अब इसको बंद करना है अब यहाँ पे हमें पांच पार्ट में इसको बंद करना है तो थोड़ा थोड़ा धागा रख के इस तरह से हम पांच पार्ट में इसको बंद कर लेंगे ये देखिए यहाँ पे लास्ट का भी बंद कर ले रहे हैं पांच पार्ट में हमने इसको बना लिया अब इसको हम घुमा लेंगे इस तरह से और यहाँ पे देखिए जो हमने चार पार्ट में बंद किया है तो फर्स्ट वाला पार्ट में से हम तीन बार धागा निकालेंगे और इसके आगे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में से धागा निकालना है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले फंदे में से यहाँ पे लास्ट वाला जो है इसमें से भी निकाल ले रहे हैं धागा निकालने के बाद फिर इसको हम पांच पार्ट में बंद करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में दिखाया सेम उसी तरह से इसको भी बना लेंगे लास्ट तक तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनेगा आप इसको सीधा करके यहाँ पे धागा चेंज करना है पहले फंदे में डालेंगे इस तरह से और इसके आगे बनाएंगे दो चैन और यहाँ पे देखिए जो बीच का ये फंदा है इसके अंदर हमें बनाना है आठ डबल क्रोशिया इस तरह से तो यहाँ पे मैं आठ डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आठ डबल क्रोशिया बना लिया है अब इसको हम उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे देखिए जो चैन हमने बनाया है इसी के फंदे में सिंगल क्रोशिया से इसको बंद कर लेंगे इस तरह से अब इसको सीधा करना है अब यहाँ पे देखिए धागा हम छोड़ के और ये वाइट वाला धागा ले रहे हैं पहले इस तरह से फंदे में डालेंगे और फिर यहाँ पर टाइट करके थोड़ा सा धागा खींचना है इस तरह से अब यहाँ पे देखिए जो ग्रीन का ये फंदा बन गया है यहाँ से हम धागे को निकालेंगे इस तरह से तो आठ राउंड यहाँ से धागा हम निकाल ले रहे हैं अब इसको हम बंद करेंगे तो चार पार्ट में हमें बंद करना है थोड़ा थोड़ा धागा रख के चार पार्ट में इसको बना लेंगे इस तरह से अब इसके दूसरे साइड हम घुमा लेंगे और देखिए फिर इसी के फंदे में से यहाँ पर भी हमें आठ राउंड धागा इस तरह से निकालना है और इसको भी हम चार पार्ट में बंद करेंगे देखिए इस तरह से अब इसको सीधा करेंगे और बीच का देखिए जो ग्रीन वाला है इस तरह से डिजाइन आएगा अब यहाँ पे धागा छोड़ के अब इसके आगे येलो वाला धागा लेना है पहले फंदे में डालेंगे इस तरह से और फिर धागे को थोड़ा सा हमें खींचना है और इसका देखिए जो फर्स्ट वाले पार्ट है इसके फंदे में से तीन राउंड धागा निकाल के में लेंगे इस तरह से फिर नेक्स्ट वाले फंदे में से उसी तरह से धागा निकालना है और नेक्स्ट वाले फंदे में से तो इसी तरह से हम चारों फंदे में से तीन तीन धागा निकाल ले रहे हैं निकालने के बाद इसको हम पांच पार्ट में बंद कर देंगे तो जैसे हमने फर्स्ट वाला डिज़ाइन बना के दिखाया सेम उसी तरह से ये दूसरा भी डिजाइन बनेगा अब इसको हम घुमा लेंगे घुमाने के बाद फिर उसी तरह से हम चारों पार्ट में से तीन तीन धागा निकाल लेंगे निकालने के बाद इसको देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पांच पार्ट में हम बंद करेंगे थोड़ा थोड़ा धागा रख के देखिए इस तरह से बनेगा इसको सीधा कर लेंगे अब यहाँ पे ग्रीन वाला धागा लगाएंगे फंदे में डालेंगे फिर यहाँ पे बनाएंगे दो चैन उसके बाद आठ डबल क्रोशिया बनेगा तो एक हमने ग्रीन वाला डिजाइन बना के दिखाया सेम उसी तरह से इसको भी बनाना है बिल्कुल ही इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये बनता है डबल कुर्सियाँ बन गया है इसको हम उल्टा कर लेंगे उल्टा करने के बाद देखिए चैन के फंदे में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको बंद करना है बंद करने के बाद सीधा करना है इसको अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम वाइट वाला धागा लगाएंगे, तो जैसे हमने एक दिखाया था जैसे यहाँ पे हमने बनाया सेम उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे फिर उसके बाद हम येलो वाला बना लेंगे ये वाला तो इसी तरह से इस डिज़ाइन को तैयार करना है फ्रेंड्स तो आगे हम बना ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसमें हमने आठ सिंगल क्रोशिया बना लिया हैं इसके फंदे में और इसकी लंबाई आपको अपने अनुसार रखना होगा जिस चीज़ के लिए आप बना रहे उतना बड़ा बना सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस तरह से बनेगा और लास्ट में यहाँ पे देखिए यहाँ पर मैंने तीन चेन बना के और धागे को लॉक करके और यहाँ पे हमने आठ सिंगल क्रोशिया बना दिया है दोनों साइड में और डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि डिजाइन कैसा है पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ थैंक यू